चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को दबाओ और नेक्स्ट टाइम वीडियो अपडेट सबसे पहले पाओ। अरे देख क्या रहे हो, दबाओ ना जल्दी। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक स्मार्ट इंडिया। और आज हम लेके आए एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर में जिसकी जरूरत होती है, वो एक एक्सटेंशन बोर्ड। सो यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं एक्सटेंशन बोर्ड है, ये है बुल का एक्सटेंशन बोर्ड जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसके बारे में हम जानेंगे। ये मैंने लिया है अमेजोन से, 610 रुपये का आया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो इसके फीचर्स यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। 10,000 साइकिल्स ऑन ऑफ, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, 5,000 साइकिल्स इंसर्शन है, सेफ्टी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 हैंगिंग होल्स, ये यहाँ पे इसमें दिया गया है। और अगर इसकी पावर की बात करें तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है 250 वोल्ट मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पे है वो है 2500 वाट और करंट है मैक्सिमम 10 एम्पियर्स। और इसके अलावा 10,000 साइकिल्स ऑन ऑफ, वही हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट, साथ में सेफ्टी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वारंटी यहाँ पे आपको जो मिल जाती है वो 2 साल की वारंटी मिल जाती है। इस एक्सटेंशन बोर्ड की सबसे एक खासियत जो वो ये है वो कि इसके अंदर में कोई वायरिंग नहीं की गई है, वायरिंग से कनेक्ट नहीं है, एक पूरा ब्रास जो है वो इसके अंदर पूरा कनेक्ट है, मतलब वायरिंग से नहीं, इसका झंझट नहीं है वायरिंग के अंदर बिल्कुल भी, प्योर ब्रास सर्किट बनाया गया है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे इसकी है, जो इसके सॉकेट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, यानी कि किसी भी कंट्री का पिन, प्लग का जो पिन होता है किसी भी कंट्री का, US, कनाडा, जापान, कहीं का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सामने आप ब्रांडिंग देख सकते हैं बुल की, यहाँ पे दी गई है 6 सॉकेट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं और लॉक इन टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सो यहाँ पे हम इसकी वायर देख लेते हैं। वायर यहाँ पे दी गई है इसकी 3 मीटर की और मैंने मेजर करी तो 3 मीटर की ही है। दिखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है और इसकी वायर की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी है। ये 3 कोर वायर है, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलती है, को सेफ्टी के जो यहाँ पे कोई इश्यूज यहाँ पे इसके अंदर में नहीं है। सो ये सेफ़ है यूज़ करने के लिए। सो यहाँ पे इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी थिकनेस यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। मैं अगर कंपेयर करूँ दूसरे कॉर्ड के साथ में, दूसरे केबल के साथ में, तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है आपको मिल रही है। और ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये प्लास्टिक का है, ये जो इसकी प्लास्टिक है ये हाई क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से ये बना हुआ है और काफ़ी अच्छा दिखने में, होल्ड करने में भी है और लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है। सो यहाँ पे से आप देख रहे हैं वायर की काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आराम से टूट जाए या कुछ हो जाए। सो क्वालिटी यहाँ पे, क्वालिटी अच्छी है इसके अंदर में। और सामने आप बटन इसके देख सकते हैं, ये पुश बटन यहाँ पे दिए गए हैं, ऊपर के साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे इससे आप होल कर, हैंग कर सकते हैं और पीछे के साइड में एक होल दिया हुआ है जिससे आप वॉल में लगा सकते हैं। सो दोनों साइड में यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। सो जैसे कि ये लाइट वेट है, काफ़ी हल्का है तो कैरी करने में भी इजी है, कहीं ले जा सकते हैं आप आराम से। और अगर मेजरमेंट की बात करें इसके लेंथ की, सो मैंने मेजर किया है तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग 13.5 इंच की है। और अगर इसकी ब्रेड की बात करें तो ब्रेड यहाँ पे इसकी निकल के आ जाती है लगभग 3.25 इंच की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ और ब्रेड इसकी ठीक है, ज़्यादा नहीं है और वेट भी इसका ज़्यादा नहीं है और क्वालिटी जो है इसकी प्लास्टिक की वो भी अच्छी है। सो जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नॉर्मली जो पुश बटन्स होते हैं अक्सर जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्वालिटी का, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बट यहाँ पे मैंने कई बार इसको प्रेस करके देखा है, कहीं भी कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे नहीं लगी। तो उम्मीद है जितना यहाँ पे कंपनी ने लिखा है उतना ये चल जाए। साइड में इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं, हर स्विच का, हर सॉकेट का एक, हर पुश बटन है और उसका एक छोटा सा इंडिकेटर है। सो प्लग्स हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे, जो डिस्टेंस दिया गया है 2 सॉकेट्स के बीच में, अक्सर कॉर्ड्स में इतना नहीं दिया जाता है, सो मुश्किल होती है प्लग्स लगाने में। सो यहाँ पे आप सारे प्लग्स एक साथ लगा के एक साथ यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। सो चाहे वो 3 पिन हो चाहे वो 2 पिन हो, आपको आराम से स्पेस मिल जाता है। और अगर इसकी लॉकिंग टेक्नोलॉजी की एक जो मैं बात करें, जो हम बता रहे थे, वो लॉकिंग टेक्नोलॉजी ये है कि इसके अंदर जो आप सॉकेट के अंदर जब कुछ भी प्लग डालेंगे वो थोड़ा सा टाइट रहता है, यानी कि अंदर पुश करोगे आप तब वो अंदर सेट हो जाता है, इतनी ईजिली वो निकलता नहीं है। सो ये लॉकिंग टेक्नोलॉजी इसे बोला जाता है। तो आप गैप देख सकते हैं, आप इसमें अच्छा खासा गैप यहाँ पे, स्पेस यहाँ पे दिया गया है। सो जैसे ही आप इसमें प्लग डालेंगे वो लॉक हो जाएगा अंदर और वो निकलेगा नहीं जब तक आप उसे खींच के दोबारा थोड़ा सा मेहनत करके ना निकालें। और जो कुछ प्लग्स आते हैं जो पतली पिन के होते हैं, जिसमें पिन पतली होती हैं, वो लूज़ रहते हैं अक्सर, वो भी मैंने इसमें यूज़ करके देखे तो वो भी
इतने औरों के मुकाबले बिल्कुल लूज़ नहीं है, वो आराम से लग रहे हैं। और ये वाले प्लग्स जो मोटी पिंस के जो होते हैं नॉर्मल जो अच्छे होते हैं, ये तो निकलेंगे ही नहीं, ये लॉक हो जाएंगे अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लगाया और ये प्रेस किया और ये हो गया। सो ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन बोर्ड लगा मुझे। आप नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको आई हो पसंद तो लाइक शेयर कमेंट बनता है दोस्तों, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और दोबारा फिर वीडियो देखने आइए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ।